फंड हमने लॉन्च की थी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, तो इस फंड का मकसद बलूचिस्तान की पसमानदगी को मद्देनजर रखते हुए वो गरीब नादार पेशेंट जिनको लाख 10 लाख करोड़ की गुंजाइश नहीं थी, इस फंड के हवाले से 7 मोहलिक बीमारियों के हमने इलाज की जिम्मेदारी अवामी एंडोमेंट फंड के हवाले से बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अपने कंधे पे लिए। इसमें हमारा एक बोर्ड है और उस बोर्ड में हम फैसला करेंगे। जब हमने स्टार्ट लिया था 3 अरब रुपए सीड मनी थे इसके, इसके बाद फिर 1 अरब रुपए और इजाफा हुआ, इसमें 4 अरब रुपए सीड मनी रहे इसकी, अभी मंथली आते हैं 4 करोड़। जब हमारी मीटिंग होती है उस बोर्ड के मीटिंग में कभी 30 करोड़ कभी 35 करोड़ के केस वहां जमा होते हैं, तो इन केसों को निकालने के लिए हमें 3-4 महीने इंतजार करना पड़ता है। चूंकि सरदार साहब का केस उस बोर्ड में शामिल नहीं था, उसके बाद सरदार साहब ने कोशिश की। डॉक्टर का यही कहना है कि मैं जब तक मरीज को नहीं देखूंगा मैं उसको कोई सर्टिफिकेट कोई सिग्नेचर नहीं दूंगा। जनाब स्पीकर साहब, एक तो ये डरते हैं डॉक्टर साहब, हमारी जो बोर्ड है बोर्ड ने यह फैसला किया था कि जो मरीज को जब हम देखेंगे तब हम उसकी रिकमेंडेशन करेंगे, जब तक मरीज को हम देखें नहीं हम रिकमेंडेशन नहीं कर सकते। हमारी सेक्रेटरी मैं बहसियत थे उस महकमे का वजीर, मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बात 10,000 की नहीं, अगर 40 लाख रुपए वो कहते हैं हम जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। यहाँ इसके दो पहलू, जब बजट बन रही थी उस वक़्त हमने कहा कि इस एंडोमेंट फंड में मजीद पैसे डाले जाएं ताकि इन गरीबों का बेहतर तरीके से इलाज हो। मुझे याद है तो सारे मिनिस्टर भी बैठे हुए थे उस मीटिंग में बजट के, मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया, चूंकि शायद बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, वही 4 अरब पे गुजारा करना पड़ा। इस सिलसिले में न सिर्फ सरदार के एक मरीज मर चुके हैं, हर दफा 3 से 4 बंदे मर जाते हैं, कैंसर के, लीवर के, हमारे मकुरान के भी मर गए, मजबूर के भी मर गए हैं। जाम साहब बैठे हुए हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, बहुत से काम उन्होंने किए, इसको लॉन्च करने में उसका बहुत बड़ा कारनामा है। इस फ्लोर के हवाले से अब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बजाय हम डॉक्टर के पीछे पड़े इस फंड में हम इजाफा करें ताकि हर जरूरतमंद मरीज जो बलूचिस्तान के किसी भी कोने में हो वो बेचारा मायूस होकर न जाए। थैंक यू जनाब स्पीकर। शुक्रिया मेरा सर बलोचा। बात का इजाफा करूंगा कि ये जैसे मेरे मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि महीने के बाद या 2 महीने के बाद 3-4 महीने लग जाते हैं, अब एक इमरजेंसी है जिस पर मैं अपने पेशेंट को तो हम दफना चुके हैं, उसका बाप रोया है मेरे, मैंने लोगों को सुनाया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं रिकॉर्डिंग दूंगा स्टाका कमेटी में, धारे मार मार के रोया है। ICU में उसने रखा हुआ था, 3 लाख रुपए शिफा इंटरनेशनल का हर रात का ICU उसे चार्ज कर रहा था। मेरी गुजारिश है मेरे CM साहब बैठे हुए हैं कि इमरजेंसी नेचर के जो भी हों, जो मर रहा है उसका मतलब है मंडे को उसको टाइम दिया जुमारात को,
जुमारात को उन्होंने कहा कि इतना जो है ना फारिग हो चुका है कि अब हम इसको ऑपरेशन नहीं करते, और मेरे ख्याल है एक दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। तो ज़रूर नादारी है, गुर्बत है बलूचिस्तान में, पसमानगी है। हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है, 4 अरब रुपए को मामूली पैसा नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि जहाँ तक डॉक्टर साहब का इन्होंने कहा, इस पर इंक्वायरी कराएं कि किस के साथ इसने किस, वो आएंगे रिकॉर्ड आ जाएगा कि किस किस के साथ क्या इसका बिहेवियर है, क्या क्या रवैया, किस तरीके से ये लोगों के साथ बिहेव करता है। एक टांग सूबाई हुकूमत में है, यहाँ पे हमारे इंडोमेंट फंड का इंचार्ज बना हुआ है, क्योंकि उसके दस्तखत के बगैर हो ही नहीं सकता है जो गेस्टों का है, और उधर यूनिवर्सिटी का आसरा ले रहा है, गवर्नर का आसरा ले रहा है, इधर कर रहा है। तो इसकी मुकम्मल, इसकी स्टूडेंट जब ये भर्ती हुआ उस दिन से आप इसकी इंक्वायरी कराएं, आप